हम सबको पता है कि इस समय भारत वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 2027 तक भारत वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, पर फिर उसके बाद भारत को सेकंड लार्जेस्ट और वर्ल्ड नंबर वन इकोनॉमी बनने में टाइम लगेगा। क्योंकि अगर आप भारत, जर्मनी और जापान की जीडीपी देखेंगे तो इनके बीच आपको गैप कम देखने को मिलेगा, पर वहीं अगर आप यूएसए, चाइना और इंडिया की जीडीपी देखेंगे तो आपको उसमें ह्यूमंगस गैप देखने को मिलेगा। इसके अलावा 2030-32 तक चाइना यूएसए को बीट करके वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो अगर भारत को फ्यूचर में चाइना को हराना है और जीडीपी के बीच गैप को कम करना है तो उसके लिए भारत को कुछ मेजर स्टेप्स लेने होंगे, जिसमें से सबसे बड़ा स्टेप है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अभी कुछ दिनों पहले भारत की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने एक एस्टिमेट प्रेजेंट किया गया था, जिसमें बताया गया है कि अगर भारत को 2047 तक चाइना की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए भारत को 845 से 880 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा। अब ये अमाउंट सुनने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कितना पैसा हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि ये लगभग आज के समय 11 ट्रिलियन डॉलर्स हुआ है। जी हाँ, 11 ट्रिलियन डॉलर, जितनी भारत की जीडीपी नहीं है उससे 3 गुना ज्यादा पैसा भारत को आने वाले 24 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा अगर उसे चाइना से कम्पिटिट करना है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के फ्यूचर इंफ्रा प्लान के बारे में, तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। अभी कुछ दिनों पहले आरबीआई ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने बताया कि अगर भारत को 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनना है तो उसके लिए भारत को हर साल 7.6% से ग्रो करना होगा, और ये करने के लिए भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्ट करना होगा। और इसी चीज को देखते हुए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास एक एस्टिमेट आया है कि भारत को 2047 तक इंफ्रास्ट्रक्चर में 845 से 880 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना होगा, डॉलर्स टर्म में 11 ट्रिलियन डॉलर्स। अब आप में से कुछ लोग ये अमाउंट सुन के बोलेंगे कि इतना पैसा कहाँ से आएगा, तो देखो इतना पैसा आराम से आ जाएगा, ये आने वाले 24 सालों की बात हो रही है। वैसे भी भारत सरकार हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट तेजी से इंक्रीज कर रही है। भारत सरकार ने इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट मैसिव 33% इंक्रीज किया है। भारत सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में 33% इंक्रीज करके इंफ्रास्ट्रक्चर को 10 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, डॉलर्स टर्म में 122 बिलियन डॉलर। तो जैसे जैसे भारत की जीडीपी इंक्रीज होती रहेगी, भारत का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, जीएसटी का कलेक्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट भी इंक्रीज होता रहेगा। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके क्या मिलेगा, तो देखो इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना भारत के लिए नीड है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, अगर किसी भी देश को तेजी से ग्रो करना होता है तो वो देश इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी तेजी से बढ़ने लगती है, बहुत सी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और साथ में स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को भी फायदा पहुंचता है। इसके अलावा भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो उसे संभालने के लिए भी भारत को टाइम टू टाइम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते रहना होगा। इसके अलावा देश में ज्यादा से ज्यादा जॉब्स जनरेट हो सके और भारत आने वाले समय में अपनी डेमोग्राफी का फायदा उठा सके, जैसा 30 साल पहले चाइना ने उठाया था, तो उसके लिए भी भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते रहना होगा। और इसी चीज को देखते हुए ये ड्राफ्ट प्रेजेंट किया गया है। इस ड्राफ्ट में बताया गया कि आने वाले 24 सालों में भारत को सबसे ज्यादा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि इंडिया में टाउन्स के नंबर बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, गांव की आबादी शहरों में आ रही है। तो 2047 तक भारत को अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में 480 से 490 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना होगा, रेलवे में 135 से 145 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना होगा, रोड्स पे 85 से 90 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करना होगा, मैरीटाइम पे 75 से 80 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करना होगा और एविएशन सेक्टर पे 70 से 75 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करना होगा। 2047 तक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में हाईवेज की लेंथ को 1.6 टाइम्स इंक्रीज करना होगा, एक्सप्रेसवे की लेंथ को 45,000 किलोमीटर तक बढ़ाना होगा। इसके अलावा रोड फैटिलिटीज को 95% तक कम करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज करना होगा। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे नेटवर्क को डबल करना होगा, रेलवे ट्रैक की लेंथ को 2 लाख किलोमीटर तक बढ़ाना होगा, साथ में 20,000 किलोमीटर का एलिवेटेड ट्रैक्स बनाना होगा। एलिवेटेड ट्रैक्स बनाने से ट्रैक्स के बीच कंजेशन कम होगा, सेफ्टी इंक्रीज होगी, साथ में ट्रेन्स की स्पीड भी इंक्रीज होगी। इसके अलावा बुलेट ट्रेन के लिए 45,000 किलोमीटर का नेटवर्क तैयार करना होगा। इसके अलावा ट्रेन की स्पीड और एफिशिएंसी, पैसेंजर के कंफर्ट, ट्रेवल टाइम कम करने के लिए और एक मॉडर्नाइज रेल एक्सपीरियंस देने के लिए 2047 तक 4,500 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करना होगा। इससे कनेक्टिविटी बूस्ट होगी, ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रांग होगा और साथ में रेलवे का रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। इसके अलावा भारत के पूरे रेलवे नेटवर्क में कवच सिस्टम को इंस्टॉल करना होगा ताकि रेलवे एक्सीडेंट खत्म हो सके। इसके अलावा 2047 तक 2,000 किलोमीटर का हाइपरलूप कॉरिडोर भी बनाना होगा। एविएशन सेक्टर में 4 इंटरनेशनल हब्स और मैरिटाइम सेक्टर में पोर्ट कैपेसिटी को 10,000 मिलियन टन पर एनम तक बढ़ाना होगा
और साथ में देश में कई कई जगह पे स्मॉल पोर्ट बनाने होंगे जहाँ पे ऑटोमेटेड टर्मिनल हो ताकि गुड्स और प्रोडक्ट की मूवमेंट फास्ट हो सके और साथ में भारत का ट्रेड भी तेजी से बढ़ सके। इसके अलावा भारत को अर्बन एरियाज में मास रैपिड ट्रांसिट सिस्टम को बढ़ाना होगा। अभी भारत में सिर्फ 27 सिटीज में मास रैपिड ट्रांसिट सिस्टम मौजूद है जिसकी लेंथ 750 किलोमीटर है। इसे 2047 तक 75 सिटीज में ले जाना होगा और इसकी लेंथ को 5000 किलोमीटर तक बढ़ाना होगा। इसके अलावा भारत सरकार को देश के सभी टाउन सिटीज में 100% ई गवर्नेंस लाना होगा ताकि प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन डिजिटल हो सके और सभी 2 नंबरी काम भी बंद हो सके। इसके अलावा कोशिश करनी होगी कि 2030 तक भारत की एक सिटी वर्ल्ड की टॉप 100 लिवेबल सिटीज में आ जाए और 2047 तक भारत की 5 सिटीज वर्ल्ड की टॉप 100 लिवेबल सिटीज में आ जाए। तो अगर भारत 2047 तक इंफ्रास्ट्रक्चर में 845 से 880 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है तो इससे भारत में ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो जाएगी और साथ में ट्रेवल टाइम कम होगा जिससे भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% ऑफ जीडीपी पे आ जाएगी जो अभी इस समय 14% है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत सरकार 2047 तक क्यों प्लान कर रही है, आने वाले 5-10 सालों का प्लान क्यों नहीं कर रही है। तो देखो अभी जो ये ड्राफ्ट आया है ये कोई फाइनल ड्राफ्ट नहीं है, अभी इसमें बहुत से चेंजेस होंगे, पर इस ड्राफ्ट से भारत सरकार को आइडिया लग जाएगा कि उन्हें किन किन एरियाज में कितना काम करना है, कितने टाइम में करना है और उसके लिए कितने पैसों की जरूरत है। देखो भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिल्कुल चाइना की तरह सोच रही है। चाइना हमेशा से आने वाले 15-20 सालों का प्लान करता है और फिर उसके हिसाब से काम करता है। हाँ, बस चाइना में फायदा यह है कि वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है जिससे प्लानिंग सिस्टमैटिक तरीके से हो पाती है, पर वहीं भारत में सिर्फ 5 साल ही सरकार रहती है तो भारत में काम उतना सिस्टमैटिक तरीके से नहीं हो पाता है। पर अगर भारत को चाइना को हराना है तो उसके लिए भारत को चाइना से ही सीखना होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कैसे करते हैं। आज के समय चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है। आज चाइना हाईवेज नेटवर्क के मामले में नंबर 1 है, एक्सप्रेस वे के मामले में नंबर 1 है, बुलेट ट्रेन के मामले में नंबर 1 है, स्काई स्क्रैपर के मामले में नंबर 1 है, 5G यूजर्स के मामले में नंबर 1 है। अगर आप चाइना का सक्सेसफुल इकोनॉमिक मॉडल देखोगे तो उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट नजर आएगी और वो चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। चाइना ने 1992 से 2011 तक अपनी जीडीपी का 8.5% इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया, वहीं भारत ने सिर्फ 3.9%। जिस तरह आज भारत की आबादी तेजी से बढ़ रही है उसी तरह 1990 में चाइना में आबादी तेजी से बढ़ रही थी, तो चाइना ने उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्ट करना शुरू किया। चाइना ने बड़ी बड़ी सिटीज में रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे बनाना शुरू किया, रेलवे के लिए अलग से डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया, लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करने के लिए पोर्ट को डेवलप करना शुरू किया, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जगह जगह पे पावर प्लांट बनाना शुरू किया जिससे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने लगी, चाइना में इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हुई, ग्लोबल कंपनीज चाइना में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने लगी। चाइना ने ग्लोबल कंपनीज को अच्छी रोड फैसिलिटी दी, इलेक्ट्रिसिटी दी, चीप लेबर फोर्स दिया, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, जिसके चलते चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करना सभी देशों के लिए सस्ता पड़ने लगा और फिर धीरे धीरे चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने लगा और फिर इससे चाइना की जीडीपी भी तेजी से बढ़ने लगी, चाइना में लोगों की इनकम बढ़ने लगी, चाइना में पॉवर्टी तेजी से कम होने लगी, चाइना का ट्रेड बढ़ने लगा। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि 1990 में भारत की जीडीपी $313 बिलियन थी, वहीं चाइना की जीडीपी $356 बिलियन थी, पर 2005 आते आते भारत की जीडीपी सिर्फ $800 बिलियन हुई, वहीं चाइना की जीडीपी $2.2 ट्रिलियन की हो गई थी। जहां भारत की एवरेज ग्रोथ रेट 1990 से 2005 के बीच 6% थी, वहीं चाइना की 10.5% थी। इसी तरह 1990 से 2005 के बीच चाइना में लोगों की इनकम तेजी से इंक्रीज हुई, वहीं भारत में धीरे धीरे इनकम बढ़ी। जहां चाइना ने 15 सालों में 202 मिलियन यानी कि 20 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, वहीं भारत ने 15 सालों में सिर्फ 30 मिलियन यानी कि सिर्फ 3 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। चाइना को बहुत पहले ही पता चल चुका था कि अगर उसे अपने यहाँ डेवलपमेंट करनी है तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा, तो भारत को भी अब यही करना है। अगर भारत ने अगले 10 साल ये कर लिया तो आप देखना कि ये डेकेड भारत का होगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।